नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन भारो राजस्थान। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। खबर आ रही है घरसाना से। आपको बता दें, जहां आज मंडी में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को बीती रात चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलने पर व्यापारी और किसान कृषि जिंसों की बोली रोक कर व्यापारियों के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। साथ ही क्षेत्र में लगातार बढ़ती हुई चोरी और घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन दुग्गल के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने घरसाना थाने का घेराव किया है। पूरे मामले में एडिशनल SP भंवरलाल मेघवाल को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही बताया गया है, अगर जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल 10 बजे के बाद से धान मंडी पूर्णतः बंद रहेगी। एडिशनल SP भंवरलाल मेघवाल ने मंडी वासियों को ये विश्वास दिलाया कि जल्द ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। घरसाना से सुनील कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर आ रही है नौहर हनुमानगढ़ से। आपको बता दें, खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां कई गांव में नरमे की फसल में गुलाबी सुंडी के आवागमन से किसान वर्ग काफी चिंतित है। चकतीन KNNK किसान महेंद्र घिटाला ने बताया है कि महंगे भाव को हाइब्रिड बीज लाकर नरमा की बिजाई की और 60 दिन में कई बार स्प्रे और सिंचाई पानी भी दिया गया, लेकिन गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम नहीं हुआ है। आखिरकार गुलाबी सुंडी के प्रकोप को रोकने के लिए 2 बीघा नरमा की फसल को नष्ट करवा दिया गया। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। और इसी बीच बुलेटिन में अगली खबर आप देख रहे हैं घरसाना से, जहां आपको बता दें टोल प्लाजा पर टोल को लेकर टोल कर्मचारी और गाड़ी ड्राइवर में कहासुनी हो गई है। घटना नजदीकी गांव 13MG की बताई जा रही है। ये पंचायत टोल फ्री एरिया में आता है। इसके बावजूद टोल कर्मचारियों ने सवारियों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और एक युवक के सर पर लोहे की रॉड से वार करके टोल कर्मचारी मौके से फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर 13MD सरपंच सहित गांव के मुख्य लोग मौके पर पहुंचे और टोल को बंद कर दिया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और परिवादी की रिपोर्ट के आधार पर टोल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घरसाना से सुनील कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर आ रही है गुलाबी नगरी जयपुर से। जी आपको बता दें, जहां नगर निगम हेरिटेज वार्ड 34 के पार्षद सुभाष व्यास ने बारिश में खड़े रहकर नाले की साफ सफाई कराई है। हाल में ही आई तेज बारिश की वजह से वार्ड 34 के यादव नगर में लोगों के घरों तक पानी आ गया था और आने जाने का जो रास्ता था वो तक अवरुद्ध हो गया था। ऐसे में जनप्रतिनिधि की ये जागरूकता काबिले तारीफ है। पार्षद ने बताया है कि नेहरू नगर और आसपास की कॉलोनियों से बारिश का पानी यादव नगर के नाले से होता हुआ अमानीशा नाले से जाता है। यादव नगर के नाले से पिछले कई वर्षों में साफ सफाई नहीं हो सकी है, जिससे नाले का पानी कॉलोनी में भर गया था। JCB की सहायता और नगर निगम के सहयोग से नाली की पूरी साफ सफाई की गई है, जिससे आमजन को आवागमन में राहत मिली है। जयपुर से पूजा मालपुरिया की रिपोर्ट। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। और इसी बीच खबर आ रही है मेड़ता सिटी से, जहां आपको बता दें पुस्तक निशुल्क वितरण समारोह के दौरान अतिथियों ने सरकार की ओर से उत्तर की जाने वाली योजनाओं की तारीफ करते हुए बच्चों से कहा है कि शिक्षा संजीवनी बूटी की तरह है, जिसको पढ़कर जितना पियोगे उतना ही जीवन में अच्छे इंसान बन पाओगे, साथ ही परिवार का नहीं बल्कि देश का नाम भी आप रोशन कर सकोगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भामाशाह देवीलाल इंदौरिया अध्यक्षता मधुलाल वैष्णव ने की। कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में बुधराज सिकवाल मौजूद रहे। वहीं अगर बात करें प्रिंसिपल बुधाराम जाट, पुस्तक वितरण प्रभारी मीरा चौधरी, शिक्षिका चांदनी टाक ने बच्चों को संबोधित किया है। विद्यालय में आयोजित पुस्तक वितरण समारोह के दौरान बालिकाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। मेड़ता सिटी से तेजाराम लाडरमा की रिपोर्ट। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलती है उसके तहत छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाता है। उसी सेंस में इस बार गवर्नमेंट ने 5 जुलाई को निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण मेला आयोजित करने का निर्देशित किया। उसी निर्देश के अनुसार हमने इस मेले का आयोजन किया, छात्राओं को पुस्तकों का वितरण किया। इसमें हमारे शहर के प्रबुद्धजनों ने हमारा सहयोग किया, तेजाराम जी का सहयोग, धन्यवाद। हमारे सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण की जाती है।
उसी उपलक्ष्य में इस बार सरकार ने 5 जुलाई को पाठ्य पुस्तक वितरण मेला आयोजित करने का आदेश दिया था। उसी का हम पालन करते हुए बच्चों को पाठ्य पुस्तकें वितरित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आ रही है जयपुर से, जहां आपको बता दें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कपूरावाला में सागर फाउंडेशन के सीईओ श्रीमती गोमा सागर के नेतृत्व में सघन वृक्षारोपण और पौधारोपण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। श्रीमती सागर ने बताया कि इस वर्ष 1100 पौधे लगाने और वितरित करने का लक्ष्य है। अब तक लगभग 950 पौधे लगाए जा चुके हैं और वितरित भी किए जा चुके हैं। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य दीपिका सागर, पर्यावरण प्रभारी सीमा कपूर और समस्त स्टाफ और विद्यार्थी उपस्थित रहे। फाउंडेशन के उपाध्यक्ष गिरधारी बेदी ने बताया कि श्रीमती सागर हर साल पौधारोपण और परिंडे वितरित करने की शुरुआत अपने जन्मदिन से करती है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। तो अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहें और बने रहें News 21 के साथ। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब करें News 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।